मैं चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले मैं चाहूंगा, चूंकि हम लोग अयोध्या में इस पावन धरा पर, तो प्रभु श्री राम का एक बार जय घोष हो जाए। जय श्री राम, जय सिया राम, यह उद्घोष आपने सुन लिया। और मेरे मेहमान जो मंच पर मौजूद हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। मेरे साथ अवधेश पांडे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और भी कई खास मेहमान जो मंच पर मौजूद हैं, एक एक करके उनसे मैं आपका परिचय करवा रहा हूं। करपात्री जी महाराज को आप जानते ही हैं, बहुत बहुत स्वागत महाराज जी आपका भी। आचार्य दिवाकराचार्य महाराज हमारे साथ हैं, आप भी यहाँ के बड़े संत हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। और श्रवण पांडे जी हैं, कांग्रेस के ऐसे नेता जो लगातार यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए हैं, ऐसे वक्त में जब कांग्रेस के बड़े बड़े नेता अयोध्या आने को तैयार नहीं है, बोलने को तैयार नहीं है, श्रवण जी लगातार कांग्रेस का बचाव कर रहे हैं। ठीक है, अब बातचीत की शुरुआत बीजेपी के प्रवक्ता से, और पहला सवाल मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा है उसी पर मैं चाहूंगा। वो कह रहे हैं कि एक व्यक्ति ने प्रभु श्री राम पर कब्जा कर लिया है, आप समझिए गए होंगे किस व्यक्ति की बातों कर रहे हैं। देखिए, जो भाषा पाकिस्तान की है वही भाषा कांग्रेस की है। राहुल जी कह रहे हैं कि मुझे राम लहर नहीं दिखती। एक संस्कृत का श्लोक है जिसका हिंदी अनुवाद है, एक पक्षी उल्लू होता है जिसको दिन में नहीं दिखाई देता, और एक पक्षी कौवा होता है जिसको रात में नहीं दिखाई देता। परंतु जो किसी कामना के वशीभूत व्यक्ति हो जाता है उसको न दिन दिखाई देता है न रात दिखाई देता है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जिस प्रकार से पूरा लघु भारत उपस्थित हुआ, पूरे भारत का प्रतिनिधित्व हुआ, और अयोध्या में कल की डेट में 7 लाख लोगों ने दर्शन किया है, 10 लाख लोग अयोध्या में उपस्थित हैं, अयोध्या से लेकर अमेरिका तक विश्व के सभी कोनों में राम नाम का संकीर्तन हो रहा है, लोग राम ज्योति जला रहे हैं, लोग देवालयों में कीर्तन कर रहे हैं, पूरे देश में राम नाम की सुनामी है, सुनामी है, सुनामी है। अच्छा, आप लोग जो वहां से ताली बजा रहे हैं, जय श्री राम कर रहे हैं, यहाँ आ जाइए, आइए ताकि आपसे भी बातचीत करूंगा। उतर के नीचे आइए जरा, वहां से जय श्री राम, जय श्री राम, नहीं यहाँ पे आइए, यहाँ से करिए, आपसे बात करूंगा। सुनामी है, लहरी नहीं, सुनामी है, और आप लोगों को नहीं दिख रही वो चीज। देखिए, सबके राम, जय सिया राम, प्रभु श्री राम के प्रति प्रत्येक उस असंख्य भारतवासियों के दिल में है। लेकिन वहां कहीं में आज क्या देश में जिस प्रदृश्य में दिखाया जा रहा है, बताइए, ये तमाम देश के कोने कोने से आए हुए ये सभी राम भक्त हैं ये, लेकिन आज जिस तरीके से ये कहते हैं कि राम के नाम पे राजनीतिकरण करना, आस्था का राजनीतिकरण करना, मैं कहता हूं मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो चुकी है, आप कृपया करके भाजपा वाले राम की गाथा के नाम पे राजनीति करना बंद कर दें। राम राजनीतिक विषय नहीं है, राम आस्था का विषय है। लेकिन इन्होंने राजनीतिक, देश का ऐसा कोई प्रधानमंत्री होगा जो राम मंदिर के मंच से विकसित भारत की बात कर रहा होगा, वो भाषण का पोडियम बना दिया गया, तो उसमें क्या दिक्कत है? अगर राम जी के मन से विकसित प्रभु श्री राम और विकास में क्या कोई वो तारतम्य नहीं होना चाहिए? फिर मैं कहता हूं, राम की राजनीति जो लोग कर रहे हैं, राम के नाम पे 24 का आधार जो लोग तैयार करना चाहते हैं, ये सुरोप देश की जनता जानती है कि हम प्रभु श्री राम के आस्थावान हैं, प्रभु श्री राम के आदर्शों को, उनके आचरणों को। उनकी लहर और सुनामी क्यों नहीं नजर आ रही है? बीजेपी के नेता पूछ रहे हैं आपसे, राम जी की लहर क्यों नहीं दिख रही आप लोगों को? राम जी की लहर तो प्रत्येक उसमें है, राम व्यक्ति में है, प्रत्येक व्यक्ति की आस्था है, लेकिन राम के नाम पे वोट की राजनीति की लहर बनाना चाह रहे ये इस देश। करपात्री महाराज जी, क्या एक व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है भगवान श्री राम के नाम पर? नहीं नहीं, भगवान श्री राम किसी एक व्यक्ति के नहीं हैं, भगवान श्री राम पूरे राष्ट्र के हैं, राष्ट्र के नहीं, सब बाप हैं, जगत पिता सब राम बखाना, राम जगत के पिता हैं, राम के सब बच्चे हैं। और ये राजनीति भाजपा नहीं कर रही है, राजनीति तो कांग्रेस वाले कर रहे हैं। नेहरू जी ने, नेहरू जी ने तत्कालीन राष्ट्रपति को सोमनाथ मंदिर में जाने से रोक दिया, यहाँ पर लोग नहीं आ पाए श्रद्धा लेने के लिए। तो निश्चित है जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि राम मतलब राष्ट्र होता है, माँ मतलब मंगल होता है, जो राष्ट्र का मंगल करता है वो राष्ट्र का व्यक्ति है। और हाँ, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आज खुशहाली का माहौल है, सब लोग प्रभु राम आ गए हैं, माँ जगत जननी जानकी प्रसन्न हो गई हैं, बस एक ही चीज़ दिल में गुनाओ, फूलों में सज रहे हैं मेरे अवध बिहारी, फूलों में सज रहे हैं मेरे अवध बिहारी, साथ साथ सज रही हैं,
साथ साथ सज रही है, जनक की दुलारी फूलों में सज रही है। और इन बेपच्चियों से कहना चाहता हूँ, इन लोगों से कहना चाहता हूँ, इन बाबर के बात को स्मरण करने आइए अयोध्या में, आइए थोड़े दिन रुकिए, दो दिन चार दिन रुकिए। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, हे कांग्रेसी हे सपाही, हे कांग्रेसी हे सपाही, तू हूँ वावा लेके अपनी माई, तू हूँ वावा लेके अपनी माई, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। श्रवण जी, ये है करप्राती महाराज जी की बात, पहुंचा दीजिएगा अपने बड़े नेताओं तक। आइए अयोध्या। करप्राती महाराज जी को कहता हूँ, निश्चय प्रेम प्रतीत थे, विनय करूँ सम्मान, तही के कारण सकल शुभ सिद्ध सर हनुमान। लेकिन जो लोग भगवान बजरंग बली को भूल गए, और वही लोग बैठे हैं, आज मैं फिर कहना चाहता हूँ, आज बहुत बड़ा खुलासा है। जिस चंपत राय ने राम जन्मभूमि मंदिर के नाम पे, ट्रस्ट के नाम पे जमीनों को बेचने का काम किया, उसी चंपत राय ने जब आप देखे होंगे प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण दिया, तो उस निमंत्रण में था कि प्रसाद के साथ चांदी का पात्र दिया जाएगा। मैं महाराज जी लोगों से पूछना चाहता हूं, आज पुष्टि कर दीजिए कि क्या आप लोगों को चांदी का पात्र मिला? ये बहुत बड़ा खुलासा है प्राण प्रतिष्ठा की आड़ में। तो आपने जो खुलासा किया, जाहिर तौर पर उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन लेकिन हमारे एक पत्र है अशोक सिंघल फाउंडेशन का, हम लोगों को मिला है, उसमें लिखा है कि आपको एक चांदी का पात्र भी दिया जा रहा है, कृपया आप स्वीकार कीजिए। मुझे तो नहीं मिला भाई, देवाकराचार्य को मिला हो, अवधेश को मिला हो, निश्चित तौर से अगर नहीं मिला है तो निश्चित कहीं ना कहीं घोटाला तो है ही। लेकिन सत्य बात कहने की क्षमता रखनी चाहिए, हम लोग किसी पार्टी के नहीं हैं, राम के हैं, राष्ट्र के हैं, इसकी एक जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए इस मन से ये बड़ी बात महाराज जी भी कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता ने जो सवाल खड़ा किया और ऐसा लिखा गया तो वाकई जांच होनी चाहिए। देखिए क्या है ना कि कांग्रेस को आज भी चांदी के सिक्के चाहिए, राम नहीं चाहिए। राम सबकी नैया पार करते हैं, राम राम सबकी नैया पार करते हैं, सबके खेवनहार हैं। पर मैं आज बड़े गर्व से और गौरवान्वित होकर कहना चाहता हूं कि राम ने उन तमाम राजनीतिक पार्टियों की नैया डुबो दी जिसमें कांग्रेस प्रमुख रूप से सुमार है, जिसमें कांग्रेस प्रमुख रूप से सुमार है। और राम जी जब 14 वर्ष के बाद वनवास से आए तो जथा जोग मिले सब ही कृपाला, अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। पर कांग्रेस को राहुल गांधी को राम जी नहीं मिले, ये वही रावण है जो राम विराजमान हो चुके हैं, तो अब इन तमाम राजनीतिक पार्टियों का भी अंत सुनिश्चित हो जाएगा। देखिए अधर्म को जो मूक बन के मात्र निहारे जाते हैं, भीष्म हो, द्रोण हो, कर्ण हो, सब मारे जाते हैं। इन्होंने स्वतंत्र भारत के इतिहास में हमारे राम को टेंट में रखने का काम किया था, परिणाम यह हुआ कि आज ये सत्ता से बाहर हैं, अपने अस्तित्व की बात यहीं तक नहीं रुक रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार बोले जा रहे हैं, तरह तरह के बयान दे रहे हैं, बीजेपी भी कह रही है कि सनातनियों को अपमान कर रहा है। और एक नया बयान आ गया, मैं पढ़कर सुना रहा हूं, अगर प्राण प्रतिष्ठा से मूर्ति में जान आ जाती तो मुर्दे क्यों नहीं चल सकते। ये स्वामी प्रसाद मौर्य का नया बयान। देखिए जो ये घमंडिया गठबंधन है, ये लगातार सनातन धर्म को गाली देता है, हिंदू धर्म को गाली देता है, और इनका एजेंडा है कि हिंदू धर्म को गाली दीजिए, सनातन धर्म को गाली दीजिए। यही कांग्रेस के लोग भगवान राम को काल्पनिक कहते थे, शपथ पत्र देकर के सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने काल्पनिक कहा। राम जन्मभूमि के मुद्दे पर दो दर्जन वकील खड़े करके इस राम के जन्मभूमि का विरोध किया, आपने साथ में ऐसी समाजवादी पार्टी को साथ में लिया जिन्होंने निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलवा करके अयोध्या की गलियों को रक्त रंजित करने का काम किया, और आज तो सबको राम रतन धन मिल गया है। जो कांग्रेसी सोने और चांदी के सिक्के की बात करते हैं, आज अयोध्या में सबको राम रतन धन मिला। अगर लिखा गया है और नहीं मिला तो जांच पड़ताल तो होनी चाहिए। नहीं, ये ट्रस्ट का विषय है, सबको प्रसाद मिला है, और राम रतन धन से बड़ा कुछ नहीं है।
आज सोने और चांदी के सिक्के नहीं, रतन धन से बड़ा कुछ नहीं। आप लोग कुछ कहना चाहते हैं क्या? यहाँ पर देश भर से आए लोग मुझे नजर आ रहे हैं, बारी बारी से अपनी बात रखिए, हाथ उठाइए जिन्हें कुछ बोलना हो। कहाँ से आए आप लोग, कहाँ से आए? खड़े हो जाइए। मैं बिहार से आया हूँ। बिहार में कहाँ से? मोतिहारी जिला डुमरिया घाट गाँव है। ये जो लोग कह रहे हैं ना कि राजनीति राजनीति, कोई भी अपने माँ बाप के पास ही जाकर प्रार्थना करता है, आशीर्वाद लेता है और वहाँ से खड़ा होता है, चाहे मोदी हो, आप हो, हम है, कोई भी है। तो अगर राम मंदिर पे आके राम जी से आशीर्वाद लेकर कोई कुछ कर रहे है तो इसमें राजनीति की क्या बात है? राजनीति नहीं है, नहीं, कुछ नहीं। क्या नाम है आपका, खड़े हो जाइए। मेरा नाम कमल कश्यप है, जिला बरेली से। जिला बरेली। कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं बस यही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के लोग जो अपनी राजनीति की रोटियां सेकते हैं, अगर राम मंदिर बनाना चाहते थे तो वो अपने टाइम में भी बना सकते थे। अब राम मंदिर बन गया है तो वो रोटी सेकने का काम कर ही रहे हैं। राजनीति ना करें, आप ये कह रहे हैं। आप ऐसे कोई कुछ कहना चाहता है, हाथ खड़े करिए। कहाँ से आप, कहाँ से आए हैं जी? आइए इधर आइए, आगे आ जाइए, आगे आइए जी। कहाँ से आए? मैं ललितपुर से हूँ। अच्छा। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो राजनीति का काम है वो सबसे पहले कल्याण सिंह का, उनका नाम कहीं नहीं दिखाया गया है, जिसके लिए जिन्होंने अपनी मतलब कोई भी हो तो प्रधान की मतलब कुर्सी नहीं छोड़ सकता है, और कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ के कुर्सी को लात मार दी थी। उनका नाम किसी ने लिया है? नहीं लिया ना, तो इसलिए बताते हैं उनका नाम कहीं है, आप बताइए बस। ये सवाल बीजेपी से है आपका? नहीं, सभी से है, ये नहीं है। मैं इसका जवाब लेता हूं। देखिए, ये शख्स जो यहां पर मौजूद है कल्याण सिंह जी को लेकर कह रहे हैं, बीजेपी से ही सवाल पूछ लेता हूं कि उनका नाम क्यों नहीं लिया गया। देखिए, हमारा जो राम जन्मभूमि का बहुत ही स्वर्णिम इतिहास है, उसमें देवराहवा बाबा से लेकर के, चाहे वो अभय रामदास जी रहे हों, चाहे रामचंद्र परमहंस जी रहे हों, चाहे आडवाणी जी रहे हों, चाहे कल्याण सिंह जी रहे हों, चाहे शहीद कार सेवक रहे हों, सबको श्रद्धांजलि हुई है, सबको भावांजलि हुई है। और राम जन्मभूमि तीर्थ थिएटर ट्रस्ट की तरफ से जो होल्डिंग्स लगाई गई हैं उनमें सबके सारे चित्र हैं, और ऐसे महापुरुषों की बदौलत ही, ऐसे कई पीढ़ियों की तपस्या के परिणाम और संघर्ष के बाद ही आज राम मंदिर का निर्माण हो गया है। श्रवण जी इसमें कुछ कहना चाह रहे? आप लोग सामने की तरफ आ जाइए, आइए, आप सभी लोगों से बात करूंगा, बताइए अपनी बात जो भी कहना चाहते हैं आप जी। श्रवण जी, देखिए, राम मंदिर की लड़ाई में तमाम उन कार्यकर्ताओं का और सभी लोगों का योगदान था, देश के प्रत्येक भक्त का। लेकिन अभी ने आडवाणी जी को भी श्रद्धांजलि देने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने। आडवाणी जी आए नहीं, आडवाणी जी को बुलाया नहीं गया, आखिर वही जो राम रथ की यात्रा उन्होंने निकाली थी। लेकिन क्या वाकई में आज जो लोग राजनीति के नाम पे जो देश की जनता के साथ कुछ कहना चाहते हैं? आई तो सोनिया भी नहीं, निमंत्रण प्राप्त हुआ था। आए तो राहुल गांधी भी नहीं, आए तो राहुल गांधी भी नहीं, निमंत्रण नहीं मिला। मैं फिर कहता हूँ, राहुल गांधी जी को निमंत्रण नहीं। सरवण जी आए हैं, सरवण जी आए, पर कांग्रेस के बड़े बड़े नेता क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए जिन्होंने राम के नाम? ऐसे डिबेटों का कहीं ना कहीं निराधार है, ये कहीं ना कहीं बौखला। इन्हें निमंत्रण दिया गया, वो नहीं आए। ये कांग्रेस की हड़बड़ाहट है, कांग्रेस समाप्त हो रही है, अब कांग्रेस आ नहीं रही है। एक सवाल करता हूँ, मैंने सनातन की संस्कृति को और उस पद्धति को और उस विधान को पढ़ा है। आज महाराज जी से पूछना चाहता हूँ, सुनिए, धर्म शास्त्र विधान को पढ़े, उसी विधि विधान को हलफनामा दायर करके कहो कि राम है ही नहीं है, भारतीय संस्कृति नहीं है, सनातन धर्म खत्म कर दूंगा, मलेरिया है सनातन धर्म। जो बेदी पे बैठता है, जो पूजा पाठ करता है, अगर वो विवाहित होता है तो क्या अपनी धर्म पत्नी के बिना वो बेदी पर बैठ सकता है? अगर धर्मशास्त्र ये बता, किसी को जीवंत करने के लिए पत्नी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और किसी के मरणोपरांत उसका कर्म कांड करने के लिए पत्नी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। संपूर्ण रूप से जानकारी रखिए, आप पहले संपूर्ण रूप से जानकारी रखिए, आप नहीं जानते हैं। ये जब चुनाव आएगा तो राहुल गांधी जनेऊधारी ब्राह्मण हो जाते हैं। कर्पात्री जी बोलना चाह रहे कुछ? हाँ बोलिए। देखिए, अभी हमारे दोनों भाई लड़ रहे थे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। आडवाणी जी आए या सोनिया आवे या कोई नहीं आवे, जिसके राम के प्रति प्रेम होगा वो तो आएगा ही। हम लोगों ने आडवाणी बुलाया, अस्वस्थ नहीं आए, लेकिन सोनिया का आना यहाँ उचित नहीं था, क्योंकि जाके प्रिय न राम वैदेही और तजिए ताही कोट ही बैरी सम यद्य परम स्नेही। जिसको राम ना प्रिय हो उसको अयोध्या में आना भी नहीं चाहिए, स्वागत चाहिए। और आप शायद कल रहे होंगे, दिवाकर शायद थे, हेलीकॉप्टर से जब फूल बरसाया जा रहा था तो मेरे सामने जब प्रधानमंत्री बोलने जा रहे थे और फूल बरसाया जा रहा था, उसी वक्त दो गिद्ध, आपने देखा नहीं टीवी पे, दो गिद्ध राम मंदिर के ऊपर से मंडरा रहे थे, जिसका देख करके मुंह के आंसू आ रहा था। तो यह जो है
हम लोगों की तपस्या का फल है, उन लोगों की तपस्या का फल है। उमा भारती रो रही थी, रितंबरा बोल रहे थे, सब लोग रहे थे, क्या बात करते हैं, दिवाकर जी हैं, चाहिए हैं, क्या बात करते हैं, मुझसे पूछिए, रामचंद्र परमहंस से पूछिए, जो लाशों को उठाया है हम लोगों ने, हमारे राम जी के लाने का उद्देश्य केवल उन कार सेवकों को है जिन्होंने सीने पर गोली खाई है। मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूँ कि सरजू जी का घाट ये देखो, सरजू जी का घाट ये देखो, यही चली थी गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे राम नाम की बोलियां, लाल किला का मैदान ये देखो, वही चली थी गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे राम नाम की बोलियां, हनुमानगढ़ी का किला ये देखो, वही चली थी गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे राम नाम की बोलियां। ये कोठारी बंधुओं की तपस्या का फल है, काश्यपों की तपस्या का फल है। इन्हीं कंधों पे लाशें उठाई गई हैं, कफन ना मिला है, कफन ना मिला, इस वतन से उन्हें लाश की गहरियों में जलाए गए। ना कांग्रेस का योगदान है, ना किसी का योगदान है। अगर अयोध्या में राम आए हैं तो 4.5 लाख लोगों के योगदान है जो राम नाम बोल करके अपने सीने पर गोली खाए हैं, उनका सम्मान होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। और श्रवण जी, आप लोग समाजवादी पार्टी को कोई कुछ बोलने को राजी क्यों नहीं, राहुल गांधी से लेकर तमाम लोग? मैं स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान की एक बार फिर से चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि आपके साथी हैं ना वो, जो ये बात कही गई कि अगर प्राण प्रतिष्ठा से मूर्ति में जान आ जाती है तो मुर्दे क्यों नहीं चल सकते, क्या मतलब इस तरह की बातों का भी? मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश का और देश में डबल इंजन की सरकार है, जो लोग ऐसे बयानबाजी करते हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे डालिए, हमारे सनातन पे कोई भी टिप्पणी करेगा हमें स्वीकार नहीं है। और आप गलबहिया करके रखेंगे, वो समाजवादी पार्टी के महासचिव है, जनरल सेक्रेटरी है। सुनिए, चंपत राय जी कहते हैं मंच से कि विष्णु के अवतार हैं देश के प्रधानमंत्री, उनको माफी मांगनी चाहिए, हमारे आराध्य का अपमान हुआ है, हमारे भगवान विष्णु का अपमान। वो जवाब लेता हूँ बीजेपी से, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य बोलते हैं तो भगवान का अपमान नहीं होता है? कहता हूँ जेल में डालिए, सरकार आपकी है जो ऐसे विरोध करते हैं, अगर वहाँ कहीं आपके साथ ही रहेंगे, लेकिन आपको वोट के लिए ऐसे लोगों का साथ चाहिए। एक तरफ उन्हीं की बेटी को भाजपा से टिकट मिला है और वो सांसद है, और एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आता है, समझ लीजिए वो कहलवा कौन रहा है भारतीय। जवाब, इसका जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं दोहरा चरित्र है। देखिए, दोहरा चरित्र तो कांग्रेसियों का है, ये दोगले हैं। कांग्रेस के एक दर्जन नेताओं ने कहा था कि यहाँ पर शौचालय बनना चाहिए, स्कूल बनना चाहिए, अस्पताल बनना चाहिए, ये दोगले लोग हैं, मुखौटा लगा करके राजनीति करते हैं। पता नहीं दोगलापन इनको पीढ़ियों से प्राप्त है या खुद ये स्वरूप बना लेते हैं। जो राम को नहीं मानते, जो राम को अस्तित्व को नहीं मानते, वो धर्म की बात करते हैं, वो किस मुंह से इस बात की करते हैं? मुझे लगता है जनता से मुझे इस पर एक रिएक्शन चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान है कि अगर प्राण प्रतिष्ठा में से मूर्ति में जान आ जाती है तो मुर्दे क्यों नहीं चल सकते, इस तरीके का बयान इस समय देने का क्या मतलब है? हाँ, इधर आइए, इधर आइए, इधर आके बोलिए। हाँ, मैं सबसे बड़ा धन्यवाद अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को दे रहा हूँ कि पूरे विश्व में ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है। अगर पहले भी तो प्रधानमंत्री हुए, क्यों नहीं ऐसा राम मंदिर बनवा लिया उन्होंने? तो मैं इसके जात पर नहीं करूंगा कि आप लोग कोई भी वोट के नाम पे राजनीति करो, ये है सबके भगवान हैं, तो इसमें सभी लोग आए, कांग्रेस भी आए और यादव अखिलेश भी आए, बाकी इसमें राजनीति मत करो। राजनीति ना हो, सभी लोग आए। इधर से कोई कुछ कहना चाह रहे? हाँ, आगे आइए, आगे आ जाइए, आगे आइए, आगे। हाँ बोलिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जो बोल रहे हैं उनसे ये पूछा जाए कि उनके दादा परदादा मरे हैं तो क्यों नहीं जान डाल दिए, जिंदा करके अपने घर में रखते, ये कौन सी बड़ी बात है? ये राम मंदिर है, और राहुल गांधी जनेऊ पहन पहन के मंदिर मंदिर घूमते थे, शिवालय में जाके जल देते थे, उसके पहले क्यों नहीं जनेऊ पहनते थे? हैं, ये राम मंदिर है, सबकी है, सब है, राहुल है, अखिलेश है, सब है, कोई माना थोड़ी किया है, कोई नहीं माना किया है। अब राम जी अब राजनीति के लिए मजबूरी हो गए, विपक्ष के नेताओं के लिए भी, ये कह रहे हैं आप? राम जी मजबूरी नहीं हुए, राम तो सबके आराध्य है, ठीक है, जो यहाँ आएगा उसको फल मिलेगा, हम आए हमें फल मिल रहा है, वोट वाला फल भी मिलेगा, वोट वाला फल भी मिलेगा नेताओं को यहाँ पे आने पे, एकदम मिलेगा, पूरा 100%। एक और बात, जो लोग बोलते थे कि 15 लाख हमें 15 अरब मिला है, सब लोग को 15 अरब मिला है, बोलिए एक बार जय श्री राम। पैसा नहीं चाहिए सर, धर्म चाहिए, और ये हिंदुत्व जग चुका है, इसे अगर कोई मुझाने का कोशिश करेगा तो हम लोग पानी क्या बहुत चीज डाल के जला देंगे। नहीं नहीं, आप शब्दों का इस्तेमाल, यहाँ बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं? प्रसाद को ऐसा ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा भड़काऊ बयान देते हैं, राजनीति उनपे, भगवान के प्रति किसी को राजनीति करने का हक नहीं है, क्योंकि हमारे वो आराध्य प्रभु श्री राम है, भगवान के ऊपर जो राजनीति करेगा उसको हमेशा सजा मिली है, और सजा सरकार देनी चाहिए सबको। इधर से जी, हाँ हो गया, आपकी बात हो गई, और किसी कुछ कहना है? बोलिए जी, खड़े हो जाइए, भजन गाइए। अच्छा, बहुत बढ़िया, सुनाइए।
हर आई बाहर हंसते हंसते आया सांवला सरकार हंसते हंसते आई बाहर हंसते हंसते आया सांवला सरकार हंसते हंसते परम अनूप आया त्रिभुवन का भूप आया परम अनूप आया त्रिभुवन का भूप आया रघुवर सरताज हंसते हंसते आया सांवला सरकार हंसते हंसते किसी का भगवान आया शंकर का ध्यान आया किसी का भगवान आया बाबा का ध्यान आया वेदों का सार हंसते हंसते आया सांवला सरकार हंसते हंसते आई। बढ़िया, बहुत बढ़िया भजन है। अभी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं बुंदेलखंड झांसी से हूँ। मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ कि मंदिर बन गया, ठीक है, हुए वही जो राम रुच रखा, जो भगवान चाह रहे थे वो हो गया। अब कॉलेज, एक ऐसा कॉलेज बन जाए, एक भारत में ऐसी यूनिवर्सिटी बन जाए, वो भी एक हमारे विश्व के लिए मिसाल बने, जिससे यूथ पढ़ सके और एक अच्छा कॉलेज बन सके, जिससे हम मिसाल बन चुके, ठीक है। राम की राजनीति जब तक थी हो गई, 22 तारीख सबके राम है, हर पार्टी के राम है, राम सबके हर हृदय में राम है, हम भी उसका आदर करते हैं। लेकिन समझ गया, बीजेपी के नेता से सवाल है कि प्रभु श्री राम आ गए, इंतजार था, सारी बातें हो गई, लेकिन राजनीतिक पार्टियों का और जो लोग सत्ता में हैं उनका धर्म यह भी है कि आप विकास भी खूब करें, कॉलेज वगैरह अच्छे अच्छे बने। बहुत ही सार्थक सवाल आया है। आज केवल अयोध्या की जब हम बात करें तो यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बन करके तैयार है, वहाँ पर यूनिवर्सिटी में पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग का पूरा डिपार्टमेंट बन करके तैयार है, अयोध्या की कनेक्टिविटी ठीक हुई है, अयोध्या में विश्व स्तर का रेलवे स्टेशन बना है, हवाई अड्डा यहाँ पर बन करके तैयार है, यहाँ पर 84 कोसी परिक्रमा का निर्माण, 14 कोसी परिक्रमा का निर्माण, धर्म पथ का निर्माण, भक्ति पथ का निर्माण, राम पथ का निर्माण, 1 दर्जन ओवरब्रिज का निर्माण, बाराबंकी से लेकर जफराबाद तक रेलवे। प्रभु श्री राम की कितनी महिमा है आपको पता है ना, भारत और कनाडा के बीच पिछले काफी समय से विवाद चल रहा था, लेकिन वहां से भी एक बड़ी खबर आई। भारत से तनाव के बीच कनाडा सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस के तौर पर घोषित कर दिया है। आप समझिए, ये प्रभु श्री राम की ताकत है। भारत में तो प्रभु श्री राम को लेकर बयान दिए ही जा रहे हैं दोनों ओर से, पक्ष और विपक्ष, लेकिन पाकिस्तान जो है हमारा पड़ोसी मुल्क, वो भी बौखलाया हुआ है। बकायदा निंदा की गई है, कहा यह गया कि यह बहुसंख्यकवाद है। करपति महाराज जी, क्या यह बहुसंख्यकवाद है? देखिए, पाकिस्तान को तो उल्टा सीधा बोलना है, आज विश्व के सारे संतों का आशीर्वाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। कल मैंने भी कहा है करपात्री के पद से, जगत गुरु राम भद्राचार्य ने कहा है, चिन्नाजीयर स्वामी ने कहा है, और आज तो शंकराचार्य की भाषा भी नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दे रही है। अगला चुनाव हमारे अभी मुक्तेश्वरानंद जी की बात कर रहे हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद भी आज कहा है कि मैं नरेंद्र मोदी का सम्मान करता हूं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, मैं आशीर्वाद प्रदान कर रहा हूं। और अगर वो प्रधानमंत्री नहीं होते तो इस तरीके से राम मंदिर बनना शायद संभव नहीं था, ये भी बात कही उन्होंने। निश्चित तौर से है कि अगला, अच्छा बताइए, आप लोगों को धन चाहिए, सबको धन चाहिए, तो धन कहां रखेंगे? कमल के पुष्प पे रखेंगे, जब कमल लाएंगे तभी तो कमलासन आएंगे। लेकिन पाकिस्तान जो कह रहा है कि ये जो बहुसंख्यकवाद है उसके बढ़ने का संकेत है, तो ऐसे में क्या जो अल्पसंख्यक है वो असुरक्षित खुद को महसूस करेंगे यहाँ पर? ऐसा देखिए, उनका कहना गलत है। जो आज कार्य हो रहा है, अयोध्या में प्रधानमंत्री आए, उद्घाटन किया, उसके बाद हनुमानगढ़ी पहुंच करके उस प्रधानमंत्री को याद आया कि मैं यहां से जाऊंगा तो राम जी पूछेंगे कि मेरा सखा निषाद कौन है, और बिना बताए, बिना प्रोटोकॉल के एक निषाद के घर में चले गए और कहे, माँ तुम मत क्या बनाई हो, भात बनाई हो कि दाल बनाई हो? माँ बोली कि भात दाल बनाई हूँ। कहे, हमार माई हमें चाय पिला दे, और नरेंद्र मोदी एक निषाद घर में चाय पिया। देश का प्रधान, देश का राष्ट्रपति आज निषाद वंश की द्रौपदी मुर्मू है, जो है ये भाजपा की सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने राम के सखा वहां सम्मान दिया, सबको साथ लेकर चला जा रहा है। लेकिन जो ये बयान है कि ये बहुसंख्यकवाद के बढ़ने का संकेत है, तो क्या कांग्रेस भी मानती है कि अल्पसंख्यक जो है वो असुरक्षित महसूस करने लगेंगे? देखिए, भारत का प्रत्येक नागरिक सनातन
सर्वधर्म संभाव की बात करता है, वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है। आज जिस तरीके के महाराज जी देखिए विचलित हो गए महाराज जी, विचलित ना होइए, कृपया सुनिए, सुनने की क्षमता रखिए महाराज जी, सुनना नहीं। इधर आइए, आपकी बात नहीं आ पा रही क्या? ये वही लोग हैं कि सोनिया गांधी कह रही थी कि मनमोहन सिंह जी ये बोलिए कि 20% जो अल्पसंख्यक धन है उनको भारत के विकास में उनका होना चाहिए, ये 80% की बात। मैं फिर कहता हूँ, हम धर्म के नाम पे राजनीतिकरण नहीं करना चाहते हैं, हम धर्म का चोला पहन के राम की गाथा नहीं। पाकिस्तान की आलोचना नहीं कर पा रहे हैं आप, पाकिस्तान अगर ये बयान दे रहा है, आपसे सवाल मैंने पूछा, इतनी देर बोल गए लेकिन एक बार आलोचना नहीं कर रहे हैं आप। देखिए, मैं पूरे सर्व विश्व ब्रह्मांड की बात करता हूँ, लेकिन बीजेपी के नेता से एक बार पूछना चाहते हो जो फिर बीजेपी के नेता, मैंने पूछा पाकिस्तान ये कह रहा है कि वहाँ के अधिकारी ये बयान दे रहे हैं कि बढ़ते बहुसंख्यकवाद का संकेत है भारत में, ये बयान सही है कि गलत है तो बताइए, मैं आऊंगा उस पर नहीं, लेकिन पहले पाकिस्तान वाले बयान पर बोलिए, क्या भारत में बहुसंख्यकवाद बढ़ रहा है ये पाकिस्तान कहता है तो सही है कि गलत? बना दे, पाकिस्तान ये कह रहा है तो सही है कि गलत? या नहीं गए थे बिरयानी खाने गए थे प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान? आलोचना नहीं कर पा रहे हैं पाकिस्तान की। हाँ, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, बोलिए ना पाकिस्तान गलत बोल रहा है। लेकिन कहता हूँ देश के प्रधानमंत्री गए थे क्या पाकिस्तान या नहीं गए, पूछता हूँ सवाल, लेकिन पाकिस्तान ये बोल रहा है तो सही है कि गलत ये तो बोलिए। देखिए, हमारे यहाँ भारत में सबसे ज्यादा हिंदुओं की आबादी है, सबसे ज्यादा हमारे लोग हैं, लेकिन किसी भी धर्म का हम अपमान नहीं करते हैं, हम सम्मान करते हैं। कोई भी सरकार हो, पाकिस्तान से हमारे प्यार नहीं, हमें अपने भारत से है, हम अपने तिरंगे का सम्मान करते हैं, अपने तिरंगे की रक्षा के लिए। हाँ बोलिए। दुर्भाग्यजनक है, देखिए जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उस समय पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री जी को हमारे कंगा भिखमंगा ना जाने कितने उपाधियों से संबोधित किया था। उस समय यही प्रधानमंत्री जो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने खुले मंच से पाकिस्तान की विरोध किया था और उनका कटाक्ष किया था। लेकिन आज कांग्रेसी नेता, समाजवादी नेता, तमाम सारे राजनीतिक पार्टियां पाकिस्तान का विरोध नहीं कर पा रहे हैं, ये देश का क्या विकास करेंगे, ये देश के साथ कब खड़े होंगे? क्यों श्रवण जी विरोध नहीं कर पा रहे हैं? इधर आइए श्रवण पांडे जी, इधर आइए। अरे इधर आइए भाई। हाँ बोलिए, क्या कह रहे? पांडे जी देश के साथ खड़े हैं, और देश के साथ अगर कोई भी विदेशी हो, कोई पांडे जी खड़े हैं, कांग्रेस की बात हो रही है। मैं फिर कहता हूँ, कांग्रेस की बात हो रही, कांग्रेस सबको साथ लेकर चलने की बात करती है, सबको एकजुटता के साथ। लेकिन आज जिस तरीके कांग्रेस पाकिस्तान का क्यों नहीं बोल पाता पाकिस्तान को? अरे भैया, आप पाकिस्तान से डरते क्यों हो? पैसा वहीं से आ रहा है क्या? पार्टी फंडिंग वहीं से आ रही है क्या? आता हूँ शोभन जी। देखिए, प्रधानमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह जी ने कहा कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। तब उन्होंने देश के अधिसंख्यक जो समाज है, जो देश का समाज है, उसका ध्यान नहीं दिया। आज जब वो बात हो रही है, पूरे देश में जब राम लहर है, पूरे देश में जब राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तब इस तरह के उल जुलूल बयान दिए जा रहे हैं। आप में से कोई कुछ कहना चाह रहा है? आगे आइए, जिसे भी कुछ कहना हो खड़े हो जाए अपनी जगह पे। हाँ बोलिए। देखिए, दुर्भाग्य है, पाकिस्तान कोई और नहीं है, इधर से गया है, उसको सारा क्लेशों का जड़ सोल्यूशन इधर है, उसका कोई बीमारी का इलाज इधर है, वो दुनिया भर ढूंढ रहा है, आखिर खाटोरा मिल गया है। कटोरा मिल गया। कहाँ से आए महाराज जी? हम कर्नाटक से हैं। कर्नाटक से आए हैं, अच्छा, दर्शन करने के लिए। दर्शन हो गए? हो गए भाई, बहुत सुंदर हो गया। क्या है अभी दिल के उद्गार, क्या है आपके रामलला को देख कर आए? बस आगे हमको संभालना है, राम राज्य बनाना है, राम राज्य में हम मर्यादा में रहना है। कर्नाटक में कहाँ से आए? बेंगलुरु से। अच्छा, हाँ, कर्नाटक से आए हैं। जय जय श्री राम, जय श्री राम। हमें कोई विरोध की भावना यहाँ नहीं लाना है, केवल भारत की संस्कृति को बचाना है, आगे बढ़ाना है। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो सभी हम संपूर्ण, केवल भारत एक ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व को लेके जाना था। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेत सामुदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। इसी के समूहा कम है। तो अभी रामलला आए हैं, तो एक केवल राम एक नाम नहीं है, एक आत्मा है। बहुत अच्छी बात आपने कही, ताली बजा दीजिए इनके लिए। हाँ, क्या कहना चाहिए? शेड हेट्रेडनेस नॉट ब्लड, डोंट शेड ब्लड, शेड हेट्रेडनेस। करेक्ट करेक्ट करेक्ट।
सर मेरा सवाल बीजेपी समर्थकों से है, उनका ये कहना है कि आप पाकिस्तान का विरोध नहीं कर पा रहे हैं, पर जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो चीन के खिलाफ कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, और हमारे देश के जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी, उनका ये कहना होता है कि अगर हम चीन का समर्थन नहीं करते हैं, चीन से आदान प्रदान नहीं करते हैं, तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो मेरा सवाल आपसे है सर, पाकिस्तान का विरोध तो हर आदमी करता है, और यही कांग्रेस है, 1972 में पाकिस्तान को दो भाग में बांट दिया था, और आज जो चीन है वो कहीं ना कहीं हावी हो रहा अपने इंडिया पे, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, मैं इसका जवाब लेता हूँ। पहले पब्लिक में से जितने लोगों को अपनी बात रखनी है रख दीजिए जल्दी जल्दी। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं मध्य प्रदेश जबलपुर से आया हूँ, सोरेन सिंह, दर्शन हो गए। और कांग्रेस के लोग पाकिस्तान, चीन या हमारे हिंदू राष्ट्र के विरोध में जो भी देश के लोग जब बोलते हैं तो उनको दबा करके सर्वधर्म की बात करते हैं, लेकिन जबकि वो स्वयं सनातन धर्म के हैं, उनको शर्म नहीं आती कि मीडिया के सामने और बड़े मंच पर वो सर्वधर्म की तो बात करते हैं लेकिन सनातन धर्म का सम्मान करना नहीं जानते, वो क्या सर्वधर्म की बात करेंगे? सनातन का पहले सम्मान करिए, सर्वधर्म का भी सम्मान फिर करिएगा। मैं लेता हूं कांग्रेस के नेता से इसका जवाब। इधर और किसी कुछ कहना है? अपनी अपनी बात जल्दी जल्दी रखिए। हाँ, आइए सामने की ओर आइए। कहां से आए आप? सर मैं नैमिष धाम से आया हूँ, सीतापुर, सीता जी की नगरी है। और सर मेरा कांग्रेस से मतलब ये पूछना है कि आपकी, अगर आप ये कह रहे हो कि हमारा धर्म से लेना देना नहीं है, तो राहुल गांधी क्यों जब चुनाव आते हैं तो वो धार्मिक हो जाते हैं, पहली बात तो। और सबसे बड़ी बात यह है कि सर जैसे बीजेपी की कोई चुनाव की स्ट्रेटजी बना रहा है, आपकी कौन चुनाव की स्ट्रेटजी बना रहा है? जो आपने राम मंदिर का विरोध कर दिया, राम मंदिर का ना जाने का जो आपको न्योता मिला था उसका आपने विरोध कर दिया, मतलब आपको भी पता होना चाहिए, यहाँ के छोटे छोटे बच्चों को भी पता होना चाहिए कि मान सकता हूँ कि देखिए मैं भी एक सनातनी हूँ लेकिन उससे पहले मैं हिंदुस्तानी हूँ। सवाल समझ गया, मतलब इनके कहने का मतलब ऐसा तो नहीं कि सेल्फ गोल आप लोग कर रहे हैं, कौन आप लोग को ये सलाह देता है कि राम मंदिर वगैरह मत जाइए? देखिए हमारे देश के युवा हैं और भाई हैं हमारे साथी, लेकिन बहुत बढ़िया सवाल किया, शायद बीजेपी के प्रवक्ता आज जवाब नहीं दे पाएंगे। जो कहते थे, जो चाहते थे 56 इंच का सीना, वहां कहीं मैं चीन को लाल आंख नहीं दिखा पाएंगे, ये पाकिस्तान पे चले जाएंगे, बाबर पे चले जाएंगे। अरे देश का असल मुद्दा क्या है? अच्छे दिन आए, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला, नहीं मिला 15 लाख मिला, तमाम योजनाएं थी। असल मुद्दे जो थे उन पर क्या हुआ? आप छोटे में, समय नहीं है, 20-20 सेकंड में। हाँ, कि हमने पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक किया और उस सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने का काम कांग्रेस और उनकी सहेली पार्टियों ने किया। चीन वाला सवाल भी पूछ रहे। आज डोकलाम में हमारे देश के जांबाज सैनिकों ने चीन को पीछे करने का काम किया। अब वो जवाहरलाल नेहरू की सरकार नहीं है कि हमारे देश पर कब्जा कर लेगा चीन 56 इंची के। ठीक है, बाद में फिर चर्चा होगी। कोई श्लोक वगैरह आप लोग सुनाना चाहें, कोई श्लोक, कुछ मंत्रोच्चारण करना चाहें आखिर में, बिल्कुल कार्यक्रम के आखिर में। हाँ, छोटे में महाराज जी, छोटे में। छोटे में, जिस वक्त 5 तारीख को प्रधानमंत्री यहां उद्घाटन करने आए थे भूमि पूजन, वो दिन पाकिस्तान का रक्षा मंत्री और चाइना का रक्षा मंत्री को जवाब देने की जिम्मेदारी मेरी थी। पाकिस्तान का रक्षा मंत्री बोला, करपात्री जी यदि अयोध्या में राम जन्मभूमि का उद्घाटन हो गया तो यहाँ से बम फोड़ेंगे। हमने कहा पाकिस्तान वाले सुन ले, जितने तेरे बम में धुआं उड़ता है ना उतना अयोध्या के साधु चिलम पिकर का धुआं बहा देते हैं, तेरी हिम्मत दाई नहीं आने की। चिलम से धुआं उठाए थे। कुछ श्लोक सुनाइए आखिर में एकदम। देखिए 500 वर्षों का संघर्ष विराम हुआ, निश्चित ही इस बात पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, और पूरी अयोध्या सजी हुई है। ये चमक ये दमक फूल बन महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूल बन महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। जुमे सैया के पवन मिथिला में बाहर तुम्हीं से है। तो राजनीति से परे होकर पूरी अयोध्या सजी है, निश्चित ही जब कल प्रभु श्री राम के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। चलिए मूल बात यही है, कार्यक्रम का समापन इसी के साथ मैं यहाँ पर करना चाहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए, और जनता जनार्दन का भी धन्यवाद। एक अल्प विराम, कौन बनेगा प्रधानमंत्री कार्यक्रम में चुनाव से जुड़ी हर खबर देखते रहिएगा। धन्यवाद।